पब्लिक टीवी आपकी आवाज। राष्ट्रीय कांग्रेस जे पार्टी की आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क सिविल लाइन में मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पारुल कपूर ने की व संचालन दीपक शर्मा ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रेम शंकर शर्मा ने पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि पार्टी संगठन को मजबूत करे और आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाए। पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा से अधिक क्षेत्रों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी के अन्य वक्ताओं ने भी पार्टी को मजबूत कर कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ एकजुट होकर घर घर जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार कर पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। बैठक में बालक राम प्रजापति, अनुरूप शर्मा, गौतम अनुभव शर्मा, नरेश कुमार, महेंद्र सिंह, भिकम सिंह, हनीफ, आसिफ, रहमत अली आदि लोग उपस्थित रहे। आज हमारी मासिक समीक्षा बैठक है। इसका उद्देश्य ये है कि हमने संगठन के पदाधिकारियों को जिले वाले, प्रदेश वाले, राष्ट्र वाले सभी आमंत्रित किए हैं और इसका उद्देश्य ये है कि एक तो संगठन को मजबूत करना है। चुनाव आ रहे हैं, बूथ स्तर तक सभी लोग जो है संगठन को मजबूत करें और जो हमारे प्रत्याशियों के आवेदन आ रहे हैं उनको जो है उनका पैनल बना के उनको जो है चयन समिति के पास पहुंचाएं और चयन समिति जो भी प्रत्याशियों को जो है पास करेगी उन्हें जो है हम अपने हाई कमान को पहुंचाएंगे। आगे आने वाले चुनावों में देखा जाए तो क्या क्या योगदान रहेगा, क्या भागीदारी होगी? योगदान भागीदारी ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आपका चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा। तो मुद्दा तो विशेष तौर से हमारा युवाओं के लिए, जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए मेन मुद्दा रहेगा कि भाई ऐसी योजना लाई जाए जिससे बेरोजगारी दूर हो, गरीबी दूर हो और जो जगह जगह नगर नगर यही है तो वह है कि कहीं सड़कें नहीं हैं, कहीं सड़कें गड्ढा युक्त हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। हमारे महानगर में ही देखिए कितनी अव्यवस्था फैली हुई है। एक भी किसी भी क्षेत्र की सड़क ऐसी नहीं है जो आप जो है सुचारू रूप से स्पीड पे चले जाएं। जगह जगह जाम हैं, बच्चों को समय पे स्कूल नहीं